हेलो फ्रेंड्स, टू एटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएसटी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के जितने सारे अधिवेशन हुए हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से अध्यक्ष बने थे, उनके क्या उस अधिवेशन की क्या विशेषता थी। सारे अधिवेशन में इसको या तो पार्ट वन या तो दो पार्ट में डिवाइड करके आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। इससे क्वेश्चन पूछे था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। जो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस एरिया से आप कवर हो जाएंगे। तो आपको सारे कांग्रेस के अधिवेशन हम एक ही बारे में पूरे डिस्कस कर लेंगे, या तो एक पार्ट में हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसके दो पार्ट आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन, है ना। आपका आज का टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग, मीटिंग है ना। जैसे आज बीजेपी की मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है और जो क्षेत्रीय दल है उनकी मीटिंग होती है, ऐसे उस टाइम में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। अधिवेशन की एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति अध्यक्षता करता था और उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता था वही मान्य होता था। तो हमारी कांग्रेस के बारे में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय बनी थी। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था और एओ ह्यूम नामक व्यक्ति था जो कांग्रेस का सचिव बना था। स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, बट एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, वो सचिव था। तो उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था, प्रथम अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यह हुआ कहां था, बंबई में, यह बंबई में हुआ था। और इसकी खासियत क्या, स्पेशलिटी थी ये थी कि इसमें यह तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। दूसरा, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भाई, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें जो एओ ह्यूम थे इस अधिवेशन में सचिव बनाए गए, एओ ह्यूम सचिव बनाए गए। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था कहां, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कहां, बंबई में, अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना क्वेश्चन आपको सिर्फ यही पूछ रहा था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई, मद्रास, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद, ऐसे ऑप्शन डाल देता है बच्चों को। बंबई, मद्रास और कलकत्ता, तीन में सिर्फ कंफ्यूजन होता है कि बंबई है कि कलकत्ता है कि मद्रास है। तो भाई जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, ठीक है, प्रथम अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था 1885 में, 1885 में प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष थे, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, एओ ह्यूम इसके सचिव बनाए गए थे। ठीक है, एओ ह्यूम इसके सचिव बनाए गए थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अधिवेशन में, दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था 1886 में। कब हुआ था भाई, 1886 में, कहां हुआ था ये आपका हुआ था कलकत्ता में, 1886 में हुआ था ये, आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे।
दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आपका तीसरा अधिवेशन होता है, आपका तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ। इसमें आपके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। तीसरा अधिवेशन आपका होता है 1887 में, इसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, ये हुआ कहां था भाई? मद्रास, जॉर्ज यूले। इसकी एक विशेषता ये थी भाई कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन 1887 जो मद्रास में हुआ था। तो पहला अधिवेशन बेटा कहां हुआ था? बंबई में। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में। मद्रास वाले की विशेषता यह थी कि जॉर्ज यूले के पहले अध्यक्ष थे जो कि प्रथम अंग्रेज थे। तो इस तरह से कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूले। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था भाई? जॉर्ज यूले। अगर बोल रहे कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो आपका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अरे जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ना अभी, जो हमने बताया तीसरा अधिवेशन अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने, तीसरा अधिवेशन 1887, तो उसके अध्यक्ष तैयब जी थे। जॉर्ज यूले चौथे के हैं, तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब जो इसके बाद ये हुआ था आपका मद्रास में तीसरा वाला, अब चौथा आएगा। याद ना, तीसरे के यार तैयब जी थे, तीसरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष तैयब जी थे, जॉर्ज यूले नहीं थे। जॉर्ज यूले चौथे अधिवेशन के, जो चौथा अधिवेशन है कब हुआ भाई? 1888। कहां हुआ भाई? इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ 1888 में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये है चौथे मेयर जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूले। याद रखना, जॉर्ज यूले अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद में बने थे, ठीक है, और मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी हमारे मद्रास में बने थे। मुस्लिम से मद्रास और तैयब जी उसमें अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले से इलाहाबाद आ जाता है और इलाहाबाद में पहले अंग्रेज अध्यक्ष आए थे। ठीक है, तो आपका जो पहला अधिवेशन होता है वो हो जाता है कलकत्ता में, सॉरी पहला अधिवेशन बंबई में हो जाता है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो जाता है, तीसरा अधिवेशन आपका मद्रास में हो जाता है, और चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है ये हो जाता है। तो पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी, और तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी की एक विशेषता ये थी कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हमारे बनते हैं जॉर्ज यूले, इनकी विशेषता है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1890 में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1890 में। कहां होता है? कलकत्ता। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं फिरोज शाह मेहता कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं 1890 में। इसकी एक विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में
जो इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता और इसमें कलकत्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। ये भी क्वेश्चन वन लाइनों में याद रखना भाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया। ठीक भैया, ठीक है, याद रखना कलकत्ता अधिवेशन की जो प्रथम प्रथम स्नातक महिला थी वो कौन थी बेटा, कादम्बिनी गांगुली, और कादम्बिनी गांगुली ने ही इसमें भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया और वो अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, फिरोज शाह मेहता। आपको इन अधिवेशनों में सिर्फ एक ही चीज देखनी है भाई, अधिवेशन कहां हुआ है, अध्यक्ष कौन है और क्या इसमें कुछ विशेषता थी, बस तीन चीजें आपको देखनी है। अधिवेशन कहां हुआ, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और क्या अधिवेशन में कुछ स्पेशलिटी थी। जैसे हमने आपको बताया था कि जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भाई, मुस्लिम अध्यक्ष बने थे हमारे तैयब जी, तैयब जी। वो किस अधिवेशन में थे, तो मुस्लिम से मद्रास, ठीक है, तो वो मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो मद्रास अधिवेशन की ये विशेषता हो गई कि कांग्रेस को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मिला। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे हमारे जॉर्ज यूले, और उस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि कांग्रेस को पहला अंग्रेज अध्यक्ष मिला था। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में आ जाता है 1890 में, फिरोज शाह मेहता जी अध्यक्ष थे, और इसमें आपकी विशेषता क्या मिली है कि कादम्बिनी गांगुली जो थी, कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक थी और उनको इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद आ जाता है 1896 का आता है, इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 का अधिवेशन आता है, यह भी हमारा कलकत्ता में ही होता है। एक 1896 का अधिवेशन है जो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में, और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो भाई आपका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसकी स्पेशलिटी, उसकी विशेषता यह थी कि उस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गीत कहां गाया गया था भाई, कलकत्ता में। इसके बाद हमारा आता है 1905, 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये आपका कहां हुआ था, बनारस में, ये आपका बनारस में हुआ था भाई। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें बंग भंग का विरोध किया गया, बंग भंग का विरोध हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, समर्थन किया गया। इसके बाद आपका एक अधिवेशन होता है 1906 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसकी विशेषता यह थी, ये कहां हुआ था भाई, कलकत्ता में, कलकत्ता में। इसकी विशेषता यह थी
कि इसमें स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज शब्द दिया गया या स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग हुई। ठीक है, तो दो तीन अधिवेशन हमने आपको और बता दिए। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे रहमतुल्ला शयानी ने, उसमें क्या हुआ था भाई, राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, 1896 में। कहां गाया गया, कलकत्ता में। इसके बाद आता है 1905 का गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, है ना। ये हुआ था बनारस में। इसकी विशेषता है कि देखो 1905 में हमने आपको बताया था करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तो उस समय जो बंग बंग चल रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था और स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया था। उसके बाद 1906 में एक अधिवेशन फिर से कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसमें स्वराज शब्द दिया गया था। स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी भाई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था पहली बार, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहां यूज किया गया था, कलकत्ता। कब यूज किया गया था, 1906। ठीक है, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो हमने आपको 1885 से 1906 तक के सारे अधिवेशन बता दिए। ठीक है, इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी आ गए, अंग्रेज अध्यक्ष आपके बनारस में बने थे जॉर्ज यूले। मुस्लिम अध्यक्ष भी आ गए, मद्रास में बने थे तैयब जी। उसके बाद वंदे मातरम भी पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्ला 1896। इसके बाद 1905 में भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक अधिवेशन किया गया था, कहां, बनारस में। बंग भंग की को हटाया गया था और इसकी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था। उसके बाद 1906 में क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी आए थे और उन्होंने स्वराज शब्द की मांग की थी, है ना। इसके पहले जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, है ना, 1885। कहां हुआ था, बंबई। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1907। नाम याद होगा भाई, 1907 अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। हमने आपको बताया था सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की थी भाई, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस हुआ कहां था भाई, ये सूरत। इसकी विशेषता यह थी कि कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ, किसमें, नरम दल व गरम दल में, नरम दल व गरम दल में। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ, कब, 1907 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे, सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, आपका आंसर 1907। और किसमें विभाजन हुआ, नरम दल गरम दल में। उस जब विभाजन हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, रास बिहारी बोस। इसके बाद आपका आता है 1915 का एक अधिवेशन हुआ था बंबई में, बंबई में अधिवेशन हुआ था 1915 में, है ना, जिसकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र सिन्हा ने। सत्येंद्र सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसकी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार एक वायसराय वेलिंगटन आया था, वायसराय वेलिंगटन ने भाग लिया, वायसराय वेलिंगटन ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके बाद आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, अंबिका चरण मजूमदार, है ना। इसमें क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मिल गई थी, कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मिली थी, या इसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता हो गया था, वह कांग्रेस में समझौता हुआ और दोनों एक हो गए,
और मिल गए, समझौता होने के बाद मिल गए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गए, है ना। और अच्छा अब देखो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहा था, रास बिहारी बोस। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब मिले, 1916, कहां मिले, लखनऊ में, अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। कहीं कहीं लिख के आता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, कहीं कहीं लिख के आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में समझौता हुआ था, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से 1915 का बंबई अधिवेशन और 1916 का लखनऊ अधिवेशन, दोनों फैक्ट आपके समझ में आ गए। अगर आपसे बोला जाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1916, कहां हुआ था, लखनऊ, अध्यक्षता कौन कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप में क्वेश्चन इससे नहीं आता है। इसके बाद आता है 1917, इसके बाद आता है 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पहली बार की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये पहली महिला थी, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी, पहली महिला जो जो अध्यक्ष बनी, जो अध्यक्षा बनी, है ना, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा बनी, पहली महिला जो अध्यक्षा बनी, है ना, एनी बेसेंट, कब, 1917 में, कहां, कलकत्ता अधिवेशन। सीधा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, आगे 1925 के कानपुर अधिवेशन में वो सरोजिनी नायडू बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी, महिला अध्यक्षा बनी एनी बेसेंट, भाई कब बनी, 1917, कहां बनी, तो कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद आता है 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे राघवचारी ने। हमने आपको बताया था कि 1920 के नागपुर अधिवेशन से ही असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, ठीक है। तो यहां से यही फैक्ट बनता है कि राघवचारी उसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि इसमें एक फैक्ट और आता है कि असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन इससे पहले हुआ था उसमें भी लाया गया था और उससे भी पास हुआ था, लेकिन फाइनली पास ये हुआ था नागपुर अधिवेशन से जिसकी अध्यक्षता की थी राघवचारी ने, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद हमारा 1920 के बाद हमारा अधिवेशन आता है, वही पुराना अपना बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1924, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1924 और अब की बार रेलवे में पक्का आएगा 1924, ये है बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे हमारे महात्मा गांधी। इसकी विशेषता यह थी कि एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन यही था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने, गांधी जी अध्यक्ष बने। इसमें पहली बार हिंदी बोली गई, इसमें पहली बार हिंदी बोली है, ठीक है, याद रखना। ये गांधी जी कब अध्यक्ष बने थे 1924 में, कहां हुआ था, बेलगाम कर्नाटक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। सारे अधिवेशन जो हम बता रहे हैं हम ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, रेलवे में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1924 में, वो अधिवेशन कहां हुआ था, बेलगाम में, बेलगाम कहां भाई, कर्नाटक, और फिर कर्नाटक में आप हिंदी बोलो तो भाई
अजीब तो लगेगा ही ना। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे कौन सा था भाई? बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? 1924। और इसमें एक रिकॉर्ड और था भाई, इसमें पहली बार हिंदी बोली गई थी, पहली बार हिंदी बोली गई थी, ठीक है, पहली बार हिंदी बोली गई थी। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन आप याद कर लेना, महात्मा गांधी इसके पहली बार अध्यक्ष बने थे और इसमें पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसके बाद हमारा आता है 1925 का एक आता है कानपुर अधिवेशन, हमारा प्यारा कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर, ठीक है। कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इनके पास विशेषता यह थी कि ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला। बस अब यही क्वेश्चन आपके घूम जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आपका आंसर एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, आपका आंसर सरोजनी नायडू। दोनों क्वेश्चन याद रखना भाई, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला, आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला, आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय महिला कहां बनी थी? कानपुर में। भारतीय महिला अध्यक्ष कहां बनी थी? कानपुर में। और प्रथम महिला अध्यक्ष कहां बनी थी भाई? कलकत्ता में। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने भाई, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 1925 के बाद आपका आता है 1927। मद्रास में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे एम एस अंसारी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें याद रखना भाई, पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। और दूसरा इसमें काम हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो 1927 में जो मद्रास अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी हमारे एम एस अंसारी ने। और उसमें उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था पहली बार, ये भी याद रखना भाई, पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? एम एस अंसारी ने। और इसी में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध भी शुरू हो गया था। तो हमने आपको अभी तक 1927 तक हमने आपको अधिवेशन बता दिए हैं। इसके बाद एक अधिवेशन होता है 1929 का, 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता हमारे करते हैं जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन करता है भाई? जवाहरलाल नेहरू। इसमें इन्होंने क्या किया भाई? पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की। अब देखो इसमें शब्द आ गया पूर्ण स्वराज। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया, आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगर क्वेश्चन आता है स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया, हमने आपको बताया था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी के बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया था रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को इन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया, ठीक। तो जो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस इन्होंने मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को हर बार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
26 क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि 26 जनवरी के दिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। ठीक है, तो अब आपसे जो अधिवेशन से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जल्दी से आप रिलैक्स करना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हमारे तैयब जी। कौन बने? तैयब जी। कहां बने भाई? ये मद्रास। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहां बने थे? मुंबई में। इसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भाई? जॉर्ज यूले। कहां बने थे? ये बनारस, सॉरी ये इलाहाबाद में बने थे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में बने थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत, गीत पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? आपका आंसर होगा 1896। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता। अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्ला सयानी। इसके बाद आता है स्वराज की मांग कब की गई? स्वराज की मांग कब की गई भाई? स्वराज की मांग की गई कब की गई? 1906। कहां की गई? कलकत्ता। किसने की? नौरोजी ने। ठीक, स्वराज की मांग कब की गई? कलकत्ता। किसने की? नौरोजी ने। इसके बाद आपका आता है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कहां बनी? कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन कब बनी? 1917। इसके बाद आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू। कहां बनी? कानपुर। कब बनी? 1925। कब बनी भाई? 1925। कब बनी? 1925। याद रखना, सरोजनी नायडू कानपुर में बनी थी 1925 में, एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में बनी थी। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929। अधिवेशन लाहौर, लाहौर अधिवेशन हुआ। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1927 में पारित हुआ। कहां से पारित हुआ भाई? 1927 में कहां से पारित हुआ? मद्रास। अध्यक्षता किसने की थी? एमएस अंसारी। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। किसमें हुआ? नरम गरम दल में, नरम गरम दल में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक, रास बिहारी बोस। ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। कुछ दिक्कत देखो, प्रथम अध्यक्ष बनर्जी, मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, राष्ट्रीय गीत 1896 में कलकत्ता, स्वराज की मांग 1906 कलकत्ता, किसने? नौरोजी ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, लाहौर 1929। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907। इसी में अगर पूछा जाए कि मुस्लिम की लीग और कांग्रेस, लीग और कांग्रेस कब एक हुए? कब एक हुए? 1916। कहां हुए? लखनऊ। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके आते हैं। स्वतंत्रता का प्रस्ताव का पारित हुआ 1927 मद्रास, एमएस अंसारी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? 1925 कानपुर। और एकमात्र अधिवेशन जिसमें कलकत्ता की प्रथम महिला, एकमात्र अधिवेशन जिसमें कलकत्ता की प्रथम महिला कौन थी भाई?
कादंबिनी गांगुली ने भाग लिया था, तो याद रखना वो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, है ना। इसके बाद हमारा अधिवेशन 1929 के बाद आता है 1931 का एक अधिवेशन होता है कराची में, कहा होता है कराची में, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी बल्लभ भाई पटेल ने। इसमें क्या हुआ था भाई, मूल अधिकार मांगे गए, मूल अधिकारों की बात हुई, ठीक है। इसके बाद आपका एक अधिवेशन आता है, अब 1936 में दो अधिवेशन होते हैं, एक अधिवेशन अप्रैल 1936 में होता है जो कि लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि समाजवाद हर समस्या की, समाजवाद समस्या की एक कुंजी है, समाजवाद जो है वो समस्या की कुंजी है, इसके बाद 1936 में एक अधिवेशन होता है दिसंबर में, एक वो होता है फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। आपको याद है समाजवाद समस्या की कुंजी है, ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था क्योंकि 1936 में ही चुनाव थे, ठीक है। तो एक दिसंबर 1936 फैजपुर में होता है, ये पहला गांव का अधिवेशन हुआ, पहला ग्रामीण अधिवेशन, याद रखना ये कि कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा था, फैजपुर, कब हुआ था 1936, किसने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारा आता है 1938 का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है, हरिपुरा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1939 में क्या होता है, नियोजन समिति बनाई जाती है, इसमें नियोजन समिति बनाई जाती है। फिर 1939 में एक त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी माने सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, लेकिन बीच में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर राजेंद्र प्रसाद को, ये फैक्ट याद रखना भाई, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया। और जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे तब सुभाष चंद्र बोस वहां से चले गए थे, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। हमने आपको बताया था जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया, डिस्कस किया पूरा डिटेल में कि क्यों ऐसा हुआ था, है ना। और इन्होंने हराया किसको था, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था, महात्मा गांधी के एक बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, जो सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े हुए थे, वो कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हम इसको अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में बिल्कुल ब्रीफली समझा चुके हैं। इसके बाद आता है लास्ट 1946 का एक अधिवेशन होता है, कहां पे, मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता हमारे करते हैं जेबी कृपलानी। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत स्वतंत्रता के समय, भारत स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे कौन, कृपलानी, वो अधिवेशन कहां हुआ था, मेरठ में। तो इस तरह से भारत में जो स्वतंत्रता मिली थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी, और वो मीटिंग कहां हुई थी, मेरठ में, ठीक है। और इसके बाद 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1936 में दो अधिवेशन हुए थे, पहला हुआ था लखनऊ में, दूसरा हुआ था फैजपुर में। लखनऊ वाले में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि समाजवाद समस्या की एक कुंजी है। उसके बाद 1936 का फैजपुर अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसके बाद आता है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी के अति करीबी थे और महात्मा गांधी ने ही उनको इलेक्शन में खड़ा किया था। चूंकि सुभाष चंद्र जीत जाते हैं तो ये अध्यक्ष बनते हैं। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में
दोबारा से ये अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की तटस्थता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुना गया। 1946 में मेरठ अधिवेशन में जेपी कृपलानी ने अध्यक्षता की और तभी भारत आजाद हुआ। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वॉइस राय करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर।